गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर स्टार्ट किया है और इसमें जो चैप्टर है इसमें हमने सबसे पहला बेसिक जो लेक्चर है हमारा वो हम कर चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो इसका हम कॉमन सिस्टम या आईपीएस सिस्टम है जो नॉमन क्लेचर है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मैंने जो पहला लेक्चर बताया था किया था हमने उसमें मैंने उसके बारे में वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको बताया, लेकिन इसमें हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल के बारे में हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उस नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईयूपीएसी सिस्टम नॉमन क्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड या नॉमन क्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉमन क्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। और नॉमन क्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह से होता है, एक तो हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम। तो होता है हमारे पास कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम। कॉमन सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की, और जब हम आईपीएस सिस्टम में बात करते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं हैलोएल्केन्स। तो दोनों में डिफरेंस है, एल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम एंड ट्राइबल नेम, एंड हेलो एल्केन इज द आईयूपीएसी सिस्टम में जिसका नॉमन क्लेचर होगा वो वहाँ पे इस तरह से होगा। सो, इसमें भी हमारे पास क्या है कि जैसे मैं कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने कहा आपको अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें अल्काइल जो हमारे पास ग्रुप है उसका नेम लिखना है, और उसके बाद हमें वहाँ पे जो हमारे पास हैलाइड आइटम है बाद में उसका नेम आएगा, मिस अल्काइल फ्लोड बाय द हैलाइड आइटम। इस पहले अल्काइल ग्रुप आएगा, बाद में हैलाइड जो हमारे पास वहाँ पे ग्रुप होगा उसका हमें वहाँ पे नॉमन क्लेचर करना है या उसका वहाँ पे उसकी हमें नेमिंग करनी है। हैलाइड में हमारे पास जल्दी फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन ये सब हो सकता है। और जब हम बात करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम की, आईयूपीएसी सिस्टम में होते हैं हमारे पास हेलो एल्केन, उसमें होता है हमारे पास हेलो एल्केन्स मीन्स। और हेलो वहाँ पे हमारे पास कौन सकता है, कौन से हो सकते हैं, सेम वही फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन। सो, अभी हम दोनों में देख लेते हैं, एक तो क्या हमारे पास कॉमन सिस्टम और ट्राइबल नेम, कॉमन नेम और ट्राइबल नेम, और साथ में यहां पे क्या होगा आईपीएसी। और साथ में हम यहां पे बात करेंगे स्ट्रक्चर की, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कॉमन नेम में हमारे पास क्या होगा अल्काइल हैलाइड। सो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको जो नॉमन क्लेचर करना है वो अल्काइल हैलाइड की तरह से करना है, और जो अल्काइल और जो हैलाइड यूनिट होती है वो सेपरेटेड होती है, दोनों वो साथ साथ नहीं होते, दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे सेपरेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा हेलो एल्कीन। सो, जैसे मेरे पास सबसे बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ CH3Cl, पहले अल्काइल, अल्काइल में क्या पे क्या है मिथेन है, मिथेन से ड्राइव्ड है तो मिथाइल, और साथ में क्लोराइड हैलाइड। उधर हेलो क्या है क्लोरो, और एल्केन क्या है मिथेन। सो, वहां पे नॉमन क्लेचर क्या हो जाएगा क्लोरो मिथेन। और अगर मेरे पास ये है CH3CH ब्रोमिन CH3, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया आइसोप्रोपाइल हो गया। सो, यहाँ पे क्या होगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। कॉमन सिस्टम में हम कॉमन नोमनक्लेचर की बात करते हैं, उसके जो कॉमन नेम उसका हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 1 2 3 टू ब्रोमो, और साथ में क्या है प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा,
अब किसी भी तरह का वहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर मैं सिंपल करके दिखाऊँ आपको, जैसे मेरे पास ये है CH3, CH2, 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 Cl, 1, 2, 3, 4, 4 मीन्स ब्यूटाइल। सो यहाँ पे लिख सकते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और इधर क्या हो जाएगा, वन क्लोरो ब्यूटेन। इधर क्या होगा, वन क्लोरो ब्यूटेन। अगर फाइव नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए तो एन पेंटाइल हो जाएगा, सिक्स होंगे तो एन एक्जाइल हो जाएगा, सेवन होंगे तो एन हेप्टाइल हो जाएगा, एट होंगे तो एन ऑक्टाइल हो जाएगा। सो जैसे जैसे उस पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, सो उसका जो एक सिस्टमेटिक वे में जो उसका नेम है वो भी चेंज होता रहेगा। ऐसे ही अगर मेरे पास ये है CH3, CH, CH3, CH2, Cl। चलिए जब एक कार्बन एटम CH यूनिट दो मिथाइल यूनिट से बॉन्डेड होती है, उसको हम नेम देते हैं आइसो। एक हमारे पास सेक भी होता है इसमें, एक ऐसे हमारे पास इसमें एन टर्सरी ब्यूटाइल भी होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सी एच के साथ दो मिथाइल यूनिट है तो मैंने उसको क्या कह दिया, आइसो। और साथ में 1, 2, 3 है तो प्रोपाइल। यहाँ पे क्या है, सी एच के साथ एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, आप देख रहे हो ना, एक मिथाइल इधर और एक मिथाइल इधर, और साथ में सी एच टू है तो 1, 2, 3 और 4 की जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके हिसाब से हम उसको वहां पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो हम इसको लिखेंगे वहां पे क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल। चार हैं तो क्योंकि मिथ इथ प्रो ब्यूट आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। बट आईपीएस सिस्टम में क्या होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3। वन पे क्या है, क्लोरो, वन क्लोरो। टू पे क्या, मिथाइल, और साथ में क्या है, प्रोप प्रोपेन, साथ में क्या है, प्रोपेन। ऐसे सेक ब्यूटाइल में क्या होता है, जब सी एच यूनिट के साथ सिर्फ एक ही मिथाइल यूनिट होता है, सेक ब्यूटाइल होता है हमारे पास CH3, CH, अगर यहाँ पे Cl, CH2, CH3। सी एच के साथ जब एक ही यूनिट हो CH3, तो हम इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। चार कार्बन एटम है तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। और वैसे नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1, 2, 3, 4। टू पे क्या, क्लोरो, और साथ में 2-क्लोरो-ब्यूटेन। टू क्लोरो ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4। जब हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स, या हम जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड के हम नोमेनक्लेचर की बात करें, तो वहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो भी हेलोजन एटम होगा उसको आपको लोवेस्ट नंबरिंग देनी है। द नंबरिंग फॉर द हेलोजन एटम शुड बी लोवेस्ट, कि जो उसकी नंबरिंग होनी चाहिए वो सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए। हम इसमें और कुछ भी और थोड़े और एग्जाम्पल भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो अल्काइल हैलाइड चैप्टर है उसको कंप्लीटली डिस्कस करना है, क्योंकि जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे हम वो अल्काइल हैलाइड चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो हमें जो हेलो एल्केन्स हैं या उसका जो नॉमन क्लेचर है उसका पता होना चाहिए, तभी हम आगे जो हमारा चैप्टर है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने कहा था, आपके पास एक टर्सरी, हमारे पास एक होता है टर्सरी ब्यूटाइल CH3, CH3, CH3। इस यूनिट को हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। और वैसे नेमन क्लेचर क्या होगा, 1, 2, 3, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल,
और साथ में क्या हो जाएगा, मिथित प्रोपेन। अब इसको सीधा मत कंसीडर करना, इसके केस में आपको सीधा नहीं कंसीडर करना कि 1 2। आपको मैंने पहले भी कहा था जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम लाई कर रहे हैं जिस चेन में, उसको आपको पेरेंट चेन कंसीडर करना है। 1 2 3 टू, तो 2 पे क्या हो गया मिथाइल, सॉरी पहले 2 पे ब्रोमो आएगा, आफ्टर दैट 2 पे मिथाइल आएगा, और उसके बाद ये जो हमारे पास पूरी यूनिट है वो क्या होगी प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास होता है जैसे आइसो का मैंने आपको बता दिया, सेक का मैंने आपको बता दिया, ब्यूटाइल का मैंने आपको बता दिया, एक इसमें नियो को और देख लेते हैं हम, CH3 कार्बन, CH3 CH2, इस यूनिट को हम बोलते हैं नियो। 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल। अगर यहां पे आयोडीन लगाए तो नियो पेंटाइल आयोडाइड, आयोडाइड उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा नियो पेंटाइल और साथ में क्या होगा आयोडाइड। अब 1 2 3 3 3 किसी साइड कर लो, 3 3 रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तब भी 2 पे 2 2 रहेगा, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 पे क्या है आयोडाइड, 1 आयोडाइड, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, साथ में क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो ये तो थे हमारे पास जनरली इसी तरह के हमारे पास जो हैलोजन मॉलिक्यूल्स है और जो हमने अल्काइल हैलाइड में नोमेनक्लेचर डिस्कस किया उसमें इसी तरह के आते हैं। आपको 2 3 याद रखने हैं, मैं आपको दोबारा से याद करा देता हूँ। हमारे पास इसमें होता है ये तो होती है हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे कुछ भी हो हमारे पास CH2 CH3, जब यहाँ पे कोई एटम अटैच होगा तो हम उसको बोलते हैं सेक, उसके लिए हम यूज करते हैं सेक, और इसके लिए मैंने बताया था आपको नियो, और इसके लिए टर्सरी, और CH पे जब CH3 दिस वन इज आइसो, ये आपको याद होने चाहिए आइसो सेक नियो एंड टर्सरी, ये चार आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेक का मतलब क्या है, नियो का मतलब क्या है, और आइसो का मतलब वहां पे क्या है। ओके, इसके बाद हमारे पास इसमें छोटा सा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमें पता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जनरली हमारे पास 3 ही होते हैं, और वो हम चेक करते हैं कि कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम अटैच है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर नोमेनक्लेचर इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में आपके पास क्या है CH3Cl भी प्राइमरी है, CH3CH2Cl भी प्राइमरी है, CH3CH CH3CH2Cl मीन्स जो आपका क्लोरीन एटम है, जो आपका हैलोजन एटम है, वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस वन इज प्राइमरी, ये आपका क्या है प्राइमरी है, ये भी दिस वन इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस वन इज ऑल्सो प्राइमरी, ये सेकेंडरी है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, टर्सरी है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्सरी है उसके आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस कार्बन एटम के साथ आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है आपको मेनली उसके साथ कंसीडर करना है कि वो प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्सरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ CH3 CH2 आयोडीन, सो दिस वन इज ऑल्सो प्राइमरी। सेकेंडरी में हमारे पास क्या आ जाएगा
CH3, ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, या मेरे पास ये हो गया CH3, CH, Br, CH2, CH3, दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी। अगर मेरे पास ये है CH3, 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 CH2, CH, CH3, Br, सो सेकेंडरी, दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी एंड दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी, कि जिस कार्बन एटम के साथ आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है उसके साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इस कार्बन के साथ एक कार्बन है प्राइमरी, इस कार्बन के साथ एक कार्बन है प्राइमरी, इस कार्बन के साथ एक कार्बन है प्राइमरी, आगे ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है सेकेंडरी, ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है सेकेंडरी, दिस कार्बन इज ऑल्सो अटैच्ड टू फर्दर टू कार्बन एटम, सो दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या है कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन अगर थ्री कार्बन के साथ अटैच्ड है ये आपके पास क्या हो गया, टर्शियरी हो गया। ये भी आपके पास क्या हो गया, टर्शियरी है। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए ये चेक करना है कि जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है उसके साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड है। इफ द नंबर ऑफ कार्बन, इफ द हैलोजन अटैच टू द कार्बन इज फर्दर अटैच या बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम देन दिस वन इज द प्राइमरी। इफ द हैलोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम इज फर्दर अटैच टू टू कार्बन एटम देन दिस वन इज सेकेंडरी। इफ द हैलोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम इज फर्दर बॉन्डेड विथ थ्री कार्बन एटम, थ्री डिफरेंट कार्बन एटम, थ्री डिफरेंट ग्रुप्स, देन दिस वन इज द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हर एक के लिए ऐसे ही होता है। अल्कोहल की हम बात करें, अल्कोहल की अगर बात करूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लिए जिस कार्बन एटम के साथ जिस जो एटम अटैच्ड है और जिसकी आप बात कर रहे हो, ओके, जैसे मैं हैलोजन की बात कर रहा हूँ और हैलोजन आगे फर्दर एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, सॉरी हैलोजन नहीं, जिस कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्डेड है और वो कार्बन आगे फर्दर कितने हैलोजन एटम के साथ अटैच्ड है। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये किसी के साथ अटैच नहीं है, सो दिस वन इज प्राइमरी, ये एक के साथ अटैच्ड है, सो दिस वन इज, सॉरी दिस वन इज नॉट प्राइमरी, दिस वन इज नॉट प्राइमरी, एक कार्बन एटम फर्दर कितने कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो तो सबसे बेसिक यूनिट हो गई आपकी, हम उसको प्राइमरी में कंसीडर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, सो दिस वन इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस वन इज ऑल इज प्राइमरी, दिस वन इज ऑल सेकेंडरी एंड ऑल ऑफ दीज आर टर्शियरी। सो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, के जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना और अपने फ्रेंड इसको सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और जो हमारा वीडियो लेक्चर है जो ग्रुप है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको कोई दूसरा कोई वीडियो लेक्चर आप चाहते हो किसी दूसरे टॉपिक पे आप चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लीव कर सकते हो। और मैंने एक साइट भी बनाई हुई है तो आप उस साइट को विजिट कर सकते हो, और उस साइट का जो हमारे पास अगर मैं उसका यूज ग्रुप के सॉरी उसके मैं URL की बात करूँ तो उसका URL आप गूगल पर जाके www.google, इसमें हमारे पास गूगल साइट्स .com/view/vrasayan, आप इस पर विजिट कर सकते हो। सॉरी इसमें हमारे पास शायद sites.google.com है, यहाँ पे हमारे पास sites.google.com/view/vrasayan, आप इस जो हमारे पास ये लिंक है आप इस पे जाके भी जो हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर आप उनको वहाँ से चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।